गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर हुसैन मोहम्मद हसनुज्जमान आप लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि मैंने एक मेरे साथ के ऊपर रूफ में एक किचन गार्डन बनाया। आप लोग देख सकते हैं, ये किचन गार्डन है मेरा, ये बहुत कुछ लगाया हुआ है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे भी है कुछ, मैं वो भी दिखाऊंगा। और इसको मैंने ऐसे रंग में लाया, मेरा मेहनत इतना अच्छा से रंग लाया है इसीलिए, क्योंकि मैंने ये मिट्टी के साथ मैंने थोड़ा गोबर मिक्स किया हुआ है और उसके साथ बायोफिट नेट सर बायोफिट की न्यूट्रिशंस प्लांट न्यूट्रिशंस जो वेजिटेबल्स के लिए है, वो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशंस कुछ है, वो सब मैंने यूज़ किया। ठीक है, ये देखिए, और वो न्यूट्रिशंस है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूट्रिशन मैंने यूज़ किया इसके साथ। ये देखिए कैसे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसकी गाइड भी है। इसको पढ़ने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। ये सब मैंने यूज़ किया क्योंकि ये रैप अप सबके दो तीन दिन बाद, ये सब यूज़ करने दो तीन दिन बाद यूज़ करना चाहिए। इसको आप शीट ये रूट के लिए ये मिट्टी के साथ डालना चाहिए, पानी के साथ मिक्स करके, और ये स्टीम रिच और ये बायो 99 ये दोनों मिक्स करके पत्ते पे लगा सकते हैं, आप स्प्रे कर सकते हैं। ये करने से ऐसा रंग आता है आपका किचन गार्डन की, ये ऐसा रंग आते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना हरा भरा हुआ है, ठीक है, कितना हरा भरा हुआ है, कितना अच्छा हुआ है, देख के दिल शांत हो जाता है। आप लोग भी कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत चाहिए क्योंकि बिना मेहनत तो कोई कुछ भी नहीं होता है। आप जैसे नेट से बायोफिट के वो न्यूट्रिशंस मिट्टी पे डाल दिया और हो गया आपका, ऐसे नहीं होगा, आपको पर्सनली मेहनत कुछ देना पड़ेगा। ये देखिए ऐसा मैंने लगाया है, और ये एक पुतला लगाया है इसीलिए क्योंकि ये पहरा देता है, पहरा लगाता है, नहीं तो ये चराई वगैरह ये सब आके इसको ख़राब करता है, काट देता है, इसी के लिए इसको लगाया। इसको लगाने के बाद बहुत कम हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये बीन वगैरह है, ये सब है बीन 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 टाइप का, थ्री टाइप्स का बीन वगैरह है ये सब। ये कोहली फ्लेवर गोभी है, ये लास्ट में लगाया हुआ है इसलिए अब तक धीरे धीरे उठ रहा है, आराम से उठ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है देखिए पात गोभी, हम लोग आसामीज में बोलते हैं बांधा गोभी बोलते हैं, और ये कैबेज है, और ये देखिए कोहली फ्लेवर गोभी, फूल गोभी, हम लोग फूल गोभी बोलते हैं। इसको देखिए कितना अच्छा हुआ है, कितना हरा हुआ है, कितना हैवी, ये लीफ देखिए, इसका पत्ता देखिए कितना मोटा मोटा है, कितना हेल्दी है, क्योंकि इसको पूरा कम से कम इसको जितना कुछ न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए इसको पूरा न्यूट्रिशन मिल गया है। ये न्यूट्रिशन मिलने के बाद ये इतना अच्छा हुआ है। ये देखिए ऑनियन, ये गार्लिक है, लहसुन, ये प्याज है, ये लहसुन है, ये भी लहसुन है, ये भी एक जैसे आप लोग शायद पहचान में आएगा, हम लोग गारो धनिया बोलते हैं और असम इसमें मान धनिया बोलते हैं। ये देखिए कहीं पे भी लगा सकते हैं आप, थोड़ा मेहनत चाहिए। ये सब कुछ पेड़ पौधे लगाया था मैंने, फ्लावर है ये, मुझे नेट से बायोफिट से गिफ्ट मिला था, मैंने इसमें लगाया है। ये देखिए टमाटर कितना बड़ा हो गया, आप देखिए पेड़ की साइज देखिए, आप खड़ा है, गिरा नहीं, सबसे बड़ी बात यह है गिरा नहीं, इसको कहीं पर बांधा हुआ नहीं, इतना अच्छा न्यूट्रिशन मिला है इसीलिए ये पूरा स्टैंड दिया है, पूरा खड़ा है। और देखिए कितना फूल निकला है, कितना फूल निकला है, आप देखिए, आप लोग देख सकते हैं इतना सारे अच्छे फूल मिला है, फूल निकला है इसमें। देखिए ये देखिए टमाटर भी है, दो तीन यहीं पर टमाटर है लगा है, ये देखिए यहीं पर भी टमाटर लगा हुआ है, फूल तो है, टमाटो में भी टमाटो है, साथ में भी है, आप लोग देख सकते हैं। ये है, और मैं एक दिखाता हूँ नीचे, आप मेरे साउथ के नीचे, और इसको हाँ शायद देख सकते हैं, ये भी है लाई शाक मैंने ये किया था यहीं पे नीचे है, उसको भी प्रोटेक्टेड करके रखा है। ये देखिए ये फूल को भी, ये बंधा को भी, ये ऐसे मैंने लगाया है। आप लोग
थोड़ा कोशिश करने से आराम से बहुत अच्छा आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी पेड़ मरा नहीं, खराब हुआ नहीं, बीमार लगा नहीं, क्योंकि इसको पूरा पौष्टिक मिल गया है, फुल न्यूट्रिशंस। ये देखिए टमाटर कितना अच्छा से लगा है। ये देखिए कितना सारे फूल निकल आया है, बीन में से भी, टमाटर में से भी, ये सारे है, ये सारे के सारे। ये देखिए, ये मैंने नेट बनाया है इसमें चरने के लिए, ये सबको आराम से। ये जैसे कोकुम्बर है, खीरा, खीरा, खीरा की खेती है, ये सब ऐसे निकला है, बाद में इसको अलग अलग कर दिया जाएगा। ये देखिए कितना हरा भरा घर के होके निकल आया है, आप लोग देख सकते हैं, कोई भी ऐसे नहीं। ये मोटर है, ये देखिए मोटर है, ये निकल आ रहा है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से ऊपर में भी आ गया है, देखिए कितना ऊपर आ गया है, ये ऊपर में आ रहा है। अब ये फैल जाएगा, फैलने के लिए मैंने आराम से ये उसको फैलने के लिए इसको लगाया है। इसे देखिए, देखिए ऐसे हुआ नहीं, मेहनत मैंने खुद अपने हाथों से ये नेट की ये सब मैंने बनाया है, खुद खुद ये करके लगाया, क्योंकि जीने के लिए खाना अच्छा होना चाहिए, बीमार नहीं पड़ने के लिए अच्छा खाना चाहिए, और अच्छा खाना मिलता है सिर्फ ऑर्गेनिक खेत में, इसको ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक नहीं होने से बाज़ार में जो कुछ मिलता है वो तो मिलता है, बहुत कुछ सब्जियां वगैरह, मछली, मीट मिलता है, लेकिन उसमें कितना न्यूट्रिशंस है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सुबह लेके आएंगे शाम को गल जाएगा,